This world is an illusion. In a world called Inamorta, you are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Quest new one! Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way, and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword, Magi Kill, the way of the mage, and Speartons, the way of the spear. You live as we dream. You are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. हे तुम्हारी शुरू हो चुकी है और सबसे पहला इलाका आया है मसाओ का। तो मसाओ, अभी मैं तुम्हारे इलाके पे कब्जा करके आगे बढ़ूंगा। अरे शिनचैन, मैं डरता नहीं हूँ, चलो मैं अपनी आर्मी को रेडी कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूँ। तो मैं भी रेडी कर रहा हूँ मसाओ, जल्दी जल्दी यहाँ से गोल्ड माइन करता हूँ और अपने जितने भी आर्मी वाले हैं उनको बुला लेता हूँ। ओके, तो मेरी सेना के एक बंदा आ चुका है। अरे शिनचैन, मैं अभी पूरी तैयारी कर रहा हूँ और देखना, मैं तुम्हें इस बार बहुत गंदा हरा दूंगा और तुम मेरे इलाके से आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ मसाओ, तू शिनचैन को रोक और उसको हमारे इलाके तक पहुँचने मत दे। हाँ कजामा, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं शिनचैन को तुम्हारे इलाके तक पहुँचने नहीं दूंगा। लेकिन मसाओ देखो, मैं तुम्हारे इलाके पे अटैक कर दिया है और देखो भी मैं तुम्हारे स्टैचू को तोड़ दूंगा। अरे नहीं शिनचैन, मेरे आर्चर्स तुम्हारी आर्मी की बैंड बजा देंगे। ये क्या, ये लो, मैंने तुम्हारे स्टैचू की पावर बहुत ज्यादा कम कर दी है, इसको मारता ही रहूंगा। चलो मेरी आर्मी वाले, इसको मारते रहो। मुझे जल्दी जल्दी माइंड भी कर लेना चाहिए, बिकॉज मेरी आर्मी सारी की सारी मसाओ ने मार दी है। अभी मुझे थोड़े से और आर्मी वाले बुलाने पड़ेंगे। अरे शिनचैन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर गया? देखना, तुमने मेरे स्टैचू की पावर तो कम कर दी है, लेकिन अभी मैं अपनी और आर्मी वाले बुलाऊंगा और फिर तुम्हारे स्टैचू पे अटैक करके तुम्हारे स्टैचू को पूरा ही तोड़ दूंगा। हाँ मसाओ, शिनचैन के स्टैचू को छोड़ना मत, इसके स्टैचू को पूरा का पूरा तोड़ देना। अरे हाँ कजा, मैं टेंशन मतलब मुझे मेरी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी। ये क्या, मसाओ के पास तो आर्चर्स है, ये तो तीर छोड़ेंगी और ये तो दूर से ही मेरी आर्मी को मार देंगी। मुझे कुछ भी करके अपनी बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी बनानी होगी ताकि मैं मसाओ की सेना को धूल चिटा सकूँ। अरे शिनचैन, मैं अभी फटाफट से माइंड करके अपने बहुत सारे आर्चर्स बुला लूंगा जो तुम्हारे लिए सेना को एक झटके में तबाह कर देंगे। अरे मसाओ, तुम अभी बातों पे ध्यान मत दो और अपनी सेना तैयार करो, क्योंकि शिनचैन ने भी अपनी काफी सेना तैयार कर ली है। अरे वो तुमने बिल्कुल सही कहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस मेरी सेना रेडी होने ही वाली है, क्योंकि आर्चर थोड़े महंगे आते हैं इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। अरे मसाओ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसने अटैक कर दिया, मसाओ जल्दी मार। अरे ये क्या, शिनचैन इतनी जल्दी कैसे अटैक कर दिया? अरे शिनचैन, तुम्हें क्या लगा मसाओ कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? ये लो, अभी तुम्हारा ये स्टैचू मेरे से नहीं बच पाएगा। ये लो ये लो ये लो, और ये मैंने मसाओ के स्टैचू को तोड़ दिया। अरे नहीं, इसने तो मेरे इलाके पे कब्जा कर लिया। अरे यार मसाओ, अभी शिनचैन को आर्चर्स मिल जाएंगे, वो तो मिलेंगे ही, क्योंकि मसाओ के सारे जितने भी इलाके के आर्चर्स थे वो मेरे अंडर काम करेंगे। अभी वो की बारी है। अरे दोस्तों, अभी मेरी बारी है, देखना मैं इस पे डायरेक्ट अटैक कर दूंगा, क्योंकि मेरा कोई स्टैचू नहीं है लेकिन मेरे पास है कबीले वाली सेना। हाँ, तेरे कबीले वाली सेना से शिनचैन की बैंड बजा दे वो। हाँ दोस्तों, टेंशन मत लो, ये लो मैंने इसके स्टैचू पे अटैक कर दिया है। अरे बहुत अच्छे, लेकिन अभी उसके आर्चर्स बाहर निकल आए हैं और अभी वो तुम्हारी सेना को मार देंगे, बहुत थोड़ा जल्दी कर। हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ कजामा।
अरे वो इसको छोड़ना मत, तब तक मैं अपने आगे वाले इलाके पे जाता हूँ, क्योंकि अगर शिंचन वहाँ पे पहुँच गया तो उसको वहाँ पे कवर अप करने वाला कोई नहीं होगा, तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। हाँ मसाओ आगे जाता रहे, बाकी एक इलाके पे मैं खड़ा हूँ, अगर ये बोको हरा भी देता है तो वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और उसको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, और इसको क्या पता मेरे पास कितनी ज्यादा पावरफुल आर्मी है। मतलब अभी क्या करने वाला है? अभी मैं तुम्हें रोकूंगा शिंचन कजामा के इलाके तक पहुंचने से और कजामा के स्टैचू तक पहुंचने से। ए मतलब अभी अपने कबीले वाले छोटे छोटे से सीना भेजेगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखना मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगा। चलो जल्दी मेरी आर्मी, जल्दी से आर्चर्स बाहर आओ और जल्दी इसके जितने भी सारे कबीले वाले हैं इनको मार दो। अरे देखो शिंचन, मैं तुम्हारे टावर को तोड़ रहा हूँ। अरे ये क्या? अरे वो उसकी आर्मी भी पावरफुल है, तुझे थोड़ा आराम से लड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये देखो अभी ये अपनी दूसरी आर्मी के साथ लड़ रहा है, और ये क्या, ये तो बहुत पावरफुल थे। अरे वो पावरफुल तो होंगे ही ना, उसने देख तूने कितने सारे बंदे बुला लिए और अभी उसकी सेना को ज्यादा ही बड़ी हो रही है। हाँ कजामा, लेकिन मैं इसको हरा सकता हूँ, मेरे कबीले वालों हमला कर दो इसके ऊपर। अरे वो चलो कुछ करो, वरना वो अगर कजामा के इलाके तक पहुँचा तो कजामा को भी उसे लड़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि शिंचन की आर्मी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखो कैसे धूल चिटा रही है वो सबको। अरे वो की आर्मी भी मेरे सामने नहीं टिक सकती, तो कजामा क्या खेत की मूली है? अरे क्या खेत की, वो किस खेत की मूली होता है शिंचन? है वही ना कजामा जो भी है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारे टावर को भी तोड़ दूंगा। अरे हमारा टावर नहीं स्टैचू है। कजामा जो भी है मैंने बोला ना, बोने पांच कबीले वाले छोड़ दिए। हाँ और अभी ये पांच कबीले वाले तेरी आर्मी का बैंड बजा देंगे। अरे वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिंचन ने तेरे सारे कबीले वाले को खत्म कर दिया। अरे यार ये क्या, इसकी आर्मी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है कजामा। हाँ और अभी ये फाइनली मेरे इलाके तक पहुँच चुका है और अभी मैं रेडी हूँ इससे के साथ लड़ने के लिए। हाँ कजामा, अभी तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शिंचन ने मसाओ के इलाके में और मेरे इलाके में तो कब्जा कर ही लिया है। और अभी तुम्हारे जितने भी सारे इलाके और सब पे भी कब्जा कर ही लूंगा धीरे धीरे, तो यहाँ पे मैं अपनी सेना को तैयार करता हूँ, और अभी मेरी आर्चर्स आ चुके हैं देखो। अरे शिंचन तू ये ले मेरा आर्मी, तुझे मार देगा, इससे पहले मेरे आर्चर तुम्हें मार देगा कि जाना ये ले। और ये क्या, ये तो अपने तीर छोड़ रहा है मेरी सेना के ऊपर। मुझे लगता है मुझे मेरे काफी स्वॉर्ड वाले जितने भी सेना है उन सबको तैयार करना पड़ेगा, फिर मैं इसके ऊपर एक साथ अटैक कर दूंगा। उससे पहले मैं भी अपनी आर्मी को तैयार कर लूंगा कि जाना। अरे कजामा अब तुम ही आखिरी बचे हो, अगर इसने तुम्हारी सेना को भी हरा दिया तो हमें अपने अगले इलाकों पे जाना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन शिंचन उन पे भी हमला करेगा ही। हाँ वो तेरी बात तो सही है, लेकिन ये देख ये कितनी दूर से तीर फेंक रहा है, अभी मेरे तलवार वाले कुछ कर भी नहीं सकते, उनको तो क्लोज रेंज ही फाइट होती है। हाँ अभी कुछ भी करके बस तुम्हें बड़ी सेना तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो दूर से तीर फेंकता ही रहेगा। हाँ यार अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, चलो मैं अपनी सेना को और बड़ा करता हूँ, तब तक ये मेरे थोड़े से बंदों को ही मार पाएगा, ज्यादा को नहीं मार पाएगा। लेकिन जितने को भी मार पाऊंगा मैं ही दूंगा कि जै मैं। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास आर्मी की कमी थोड़ी है, देखना मैं कितनी सारी सेना तेरे सामने खड़ी कर दूंगा। मेरी भी सेना खड़ी हो रही है, देखना कजामा जब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा तो तुम्हारी आर्मी की टट्टी निकल जाएगी। अरे कजामा ये तो तुम्हारी आर्मी को मार रहा है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अरे अभी वो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे पास इतना लाइक इतना आर्मी नहीं है, और अगर मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो मेरे ये सेना की पावर वेस्ट ही होगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा रुक लेना चाहिए, तब तक ये मेरे एक दो आदमी को मार भी देगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हाँ कजामा तुम दिमाग अच्छा लगा रहे हो, एक साथ इसके ऊपर अटैक करना अपनी बहुत बड़ी आर्मी बना के। तब तक मेरी आर्मी बन रही है, मैं धीरे धीरे इसके सारे बंदों को मार दूंगा। अरे वाह ये तो मजा रहा है, अरे ये ले तीर एक और ले, और ये ले पिछवाड़े पे, ये लो पिछवाड़े पे घुसा दिया, ये तो ऊपर से ही जा रहा है, ये ले। अरे वाह उसको तो मैंने पट से हेडशॉट मार दिया। अरे कजामा कुछ करो वरना ये तुम्हारे सारे सेना के बंदों को मार देगा। मैं धीरे धीरे सबको मारूंगा, ये तो सर के ऊपर से चला गया, और ये लो और ये लो, अरे यार दोबारा सर के ऊपर से चला गया, और ये लो, अरे भाई ये मरने वाला है, ये मैंने मार दिया, अरे नहीं मेरा अभी मरेगा, अरे भाई मार दिया। अरे यार बस मेरी सेना रेडी होने ही वाली है, फिर देखना शिंचन तेरा क्या हाल करूंगा मैं, अभी तूने जितने मजे लेने हैं ले ले, चलो कोई बात नहीं, अभी जब मैं अटैक करूंगा ना फिर देखना तेरा टट्टी सुसु सब बीच में ही निकल जाएगा। कजामा तुम मुझे चुनौती दे रही हो, तुम्हें क्या पता मेरी आर्मी कितनी बड़ी हो चुकी होगी। अरे कितनी बड़ी हो गई हमें क्या पता। अरे कजामा मुझे लगता है
अभी शिनचैन यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि ये भी अपनी आर्मी को बड़ी बना सके। अरे हाँ कजामा, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अभी मैं तो कहता हूँ तुम शिनचैन की आर्मी पे अटैक कर दो, क्योंकि तुम्हारे काफी सारे तलवारबाज आ चुके हैं। हाँ मसाओ, मैंने काफी तलवारबाजों को तो बुला लिया है, लेकिन अभी मेरे को बस थोड़ा सा ही वेट है। मेरी आर्मी भी रेडी हो ही चुकी है और अभी मैं कजामे की आर्मी का बैंड बजा दूंगा। अभी बस मैं थोड़ी ही देर में इसके ऊपर अटैक करूंगा। अरे नहीं, लेकिन इससे तो तलवार वाली आर्मी काफी लेके आ गया। अभी मेरी सीना रेडी हो जाओ, बिकॉज मैं कजामे की सीना को फोड़ना होगा। चलो जल्दी 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 थोड़ी सी आर्मी और बड़ी कर लूंगा, देन उसके बाद में कजामे के ऊपर अटैक कर दूंगा। अरे कजामा, अभी शिनचैन कुछ ही देर में तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। हाँ मेरी आर्मी रेडी खड़ी है, देखना मेरी सेना इसका क्या बिगाड़ देगी। अभी देखना देखना, बस तुम देखते रहो। हमला करो मेरी सेना। और शिनचैन ने हमला कर दिया, अभी मुझे लगता है मुझे भी हमला कर देना चाहिए। नहीं कजामा, डिफेंस करो। ओ ये ले, चलो मैंने भी इसके ऊपर हमला कर दिया है। ये ले, लेकिन इसके तीर वाले आर्चर्स मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। मैं क्या करूं, इसकी सारी सेना को मार दिया, बस इसके आर्चर्स ही बचे हैं जो कि मेरी सेना को मार रहे हैं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से पीछे निकलना चाहिए। अरे कजामा, तुम्हारे सारे तलवारबाज मारे जाएंगे, क्योंकि वो दूर से अपने तीरंदाजों के साथ तुम्हारे बंदों को मार रहा है। हाँ, और अभी इसने मेरे स्टैचू पे भी हमला कर दिया, लेकिन मेरे पास भी आर्चर्स हैं जो इसके आर्चर्स की बैंड बजा देंगे। ये तो बुरा हुआ। अरे नहीं, ये कजामे के आर्चर को ज्यादा ही पावरफुल थे। चलो मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे रुक लेना चाहिए और थोड़ी सी आर्मी को रेडी करना चाहिए। और भाई देखा मैंने कितना अच्छा डिफेंस किया। हाँ कजामा, तुमने बहुत अच्छा डिफेंस किया था। अरे हाँ कजामा, तुम कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम शिनचैन को हरा दोगे और उसको ये इलाके पे कब्जा नहीं करने दोगे। नहीं कजामा, वो तो मैं करके रहूंगा। जल्दी करो, बस मेरे जितनी अच्छा। भी सेना है रेडी हो चुकी है, अभी अटैक करता हूँ। और शिनचैन ने दोबारा अटैक कर दिया। कजामा डिफेंस करो, क्योंकि तुम्हारे पास आर्मी नहीं है। हाँ, और मेरी आर्मी भी रेडी नहीं थी और इसने दूसरा अटैक एकदम से कर दिया, मैं क्या करूँगा। अरे कजामा, तुम मरने वाले हो। मुझे लगता है तुम्हारा ये वाला इलाका भी अभी इसके हाथ आने वाला है। तुम्हारा स्टैचू टूटने ही वाला है कजामा। ये कजामा ने मेरे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। अरे नहीं, अभी मुझे भागना पड़ेगा, भाग। अरे वाह, मैं बच गया, वरना तो कजामा मेरी आर्मी की बैंड ही बजा देता। ये लो दोबारा से अटैक कर देता हूँ। अरे ये क्या, ये शिनचैन तो धड़ाधड़ अटैक कर रहा है। अरे हाँ, और देखो मेरे सारे के सारे स्वॉर्ड्स वाले मर चुके हैं, मैं क्या करूँगा। अब मेरे पास तो आर्मी ही नहीं बची, मुझे लगता है मुझे तीरंदाजों को बुलाना चाहिए। हाँ कजामा, जल्दी करो। अरे कजामा, ये शिनचैन के तीरंदाज बहुत ज्यादा ताकतवर है, इन्होंने तुम्हारे सारे तलवारबाजों को मार दिया है। और देखो तुम्हारा स्टैचू भी टूटने वाला है। अरे मसाओ, टूटने वाला नहीं, टूट गया यार। चलो कोई बात नहीं, शिनचैन ने आज हमारे तीनों इलाकों पे कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे बहुत ज्यादा इलाके बाकी हैं, तो वहाँ पे जब शिनचैन अटैक करेगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। है वो तटका तब देखेंगे कजामा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर और ज्यादा अटैक्स करने, बहुत जल्दी। दोस्तों अगर आपको मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड जल्दी से अगर इनके ऊपर अटैक करना है तो कमेंट कर दो। बाय बाय।